तमाम राजनीतिक दल मैदान में आ गए हैं, तो लोहिया जनता दल की क्या तैयारी है इसको लेकर? हम लोग अभी अपना सब जगह सदस्य और अति बनाने के लिए जुटे हुए हैं, और जब पार्टी का पूरा काम हर जगह अधिकारी बन जाएंगे उसके बाद हम लोहिया जनता दल के कैंडिडेट भी उतारेंगे। तो 243 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी रहेगी? अभी पहले संगठन पहले मजबूत हो उसके बाद, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। हाँ, तो समय कम रह गया है, हमको अभी रजिस्ट्रेशन होकर करके जन्माष्टमी दिन आया है, उसी दिन एक दिन पहले आया है, तो इसमें काम करने में संगठन में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको लगता है कि मतलब पूरी तरह से फाइट में आप? पूरी तरह से फाइट में हैं, कहीं किसी से कोई हमको ये नहीं है, चूँकि हम यहाँ के लोकल हैं और हमारा बाढ़ में जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, सभी चीज़ मेरा बाढ़ में है, और इस बार सर्वो समाज के मतदाता सभी लोग अभी से ही मन बनाए हुए हैं कि इस बार अपना घर के बेटा भाई भतीजा को जिताकर विधानसभा भेजना है, और भेजकर वहां जिला का मुद्दा सदन में भी उठेगा और सड़क पर भी उठेगा, और नहीं होगा तो उसके लिए आंदोलन भी छेड़ेंगे। बाढ़ को जिला बनाने को लेकर और जो यहाँ सड़क पे जो मतलब कि जो जल जमाव जो होता है इसको लेकर आप बराबर आप मुखर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कोई आंदोलन की भी तैयारी होगी? आंदोलन होगा, अभी जैसे देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम बहुत विकास किए बहुत विकास किए, आप ANS कॉलेज के जो फील्ड है रोड पर से ही देख लीजिए और वीडियो बना कर करके आप लोग चलाइए कि यही विकास है। उसके बाद में आप चल जाइए स्टेशन के उस पार, चल जाइए आप भेकवाहा चक, चल जाइए आप सरकट्टी अटनामा, चल जाइए आप बाढ़ बाजार, सभी जगह चल जाइए आप सिकंदरा मोगलानी चल जाइए कि क्या इनका विकास हुआ है। इनका विकास हुआ है एक ही चीज़ में, जो इनके साथ रहने वाले हैं उनका इनका विकास हुआ है, बाकी क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। लोहिया जनता दल की बूथ लेवल पे क्या तैयारी होगी, कितने? सभी जगह बूथ स्तर पर हमारा मेंबर बन रहा है, बूथ कमेटी बन रहा है, बूथ अध्यक्ष बन रहा है, पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, इस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से बना रहे हैं। लोहिया जनता दल किन चुनावी कार्यक्रमों के साथ मैदान में उतर रही है, क्या मुद्दे होंगे प्रमुख? देखिए, हर जगह का अपना अपना अलग अलग मुद्दा होता है। बाढ़ में तो देख रहे हैं कि एक 25 वर्ष विधायक रहने के बाद एक स्टेडियम नहीं बना सके, अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को मिट्टी भर करके भी ऊंचा नहीं किया गया कि बरसात में भी लड़का खेल सके। अभी हम बैडमिंटन करा रहे हैं, बैट बॉल करा रहे हैं, उसमें समझ जाइए कि कहीं पर बाढ़ में खिलाने लायक जगह नहीं है, और जबकि 22 टीम आ रहा है, 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख को फाइनल होना है। लोहिया जनता दल की तरफ से आप बाढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाढ़ की जनता के साथ यही मेरा संदेश है कि बाहरी को भगाइए, और जब आपका घर में बेटा भाई भतीजा सेवा करने के लिए तत्पर है तो अपना भाई भतीजा बेटा को गले लगाइए और बाहरी को बाय बाय टाटा कीजिए। बाढ़ के कई नेता जो है वह बिगुल जो है अभी से ही जैसे जो भी जिनको भी आना है बाढ़ के धरती पर हमें उनका स्वागत है। इस अथी में लड़ने के लिए सबों का नैतिक अधिकार है कि कोई भी कहीं से जाकर
एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है। इसलिए जिनको आना है आमे उनका स्वागत है, लेकिन इस बार जो भी बाहर से आएंगे उनको बैरन वापस यहाँ से बाढ़ की जनता यहाँ से विदा करेगी, इसलिए कि उन लोग बूझ लिए हैं कि बाढ़ में जाना है जीत के आ जाना है। तो इस बार बाहरी नहीं, यहाँ का घर का बेटा भाई भतीजा लड़ रहा है और इस बार उनको जिता कर ही यहाँ के जनता दम लेंगे। करने वाले जाति पाति पार्टी इन सब के राजनीति करने वाले और जात के भरोसे आने वाले कोई भी कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक जमात नहीं होगा तो जात से कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए जमात को लेकर चलना होगा। और जिनको ये भरम पाल रखे हैं कि हम बहुसंख्य हैं, तो कोई बहुसंख्य नहीं है, यहाँ सर्वो समाज बहुसंख्य है। और जिनको वो बदनाम कर रहे हैं कि हम राजपूत हैं, तो यहाँ के राजपूत भी बाढ़ के वासी हैं, बाढ़ के बेटा भाई भतीजा के उन लोगों भी साथ देंगे और बाहरी को उन लोग भी इस बार विदा करने का काम करेंगे। इसलिए कि जब कभी भी मौका मिलेगा तब बाढ़ के लोग या बाढ़ के राजपूत भी उसमें लड़ने का हकदार होगा। कोई जो टिकट छीन लेता है ऊपरे ऊपरे, उनको सबक सिखाने का इस बार जिनके बल पे वो आ रहे हैं उन लोगों को भी काम करेंगे।